ब्रेक में माउंटेन ड्यू। हम लोग अभी आ गए हैं पेट पूजा करने। ये जो स्टॉल लगा है ये भी, इसका नाम भी पेट पूजा है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब शेख ब्लॉग्स। बहुत लंबा गैप हो गया है, कोई ब्लॉग नहीं आया था, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और मैसेज भी मुझे पर्सनल किए कि नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है आपका। तो मैं सोच रहा हूँ हर दिन ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा काम की वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन टू माय यूट्यूब फैमिली, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सोचा कि आज ब्लॉग, फाइनली एक ब्लॉग आना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग एक महीना निकल गया है मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। इस मौके पे ब्लॉग बनाना ज़रूरी था, तो सोचा हूँ एक ब्लॉग बना देता हूँ। और आप लोगों का प्यार भी बहुत, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही प्यार मिला है और आगे भी इंशाल्लाह प्यार मिलता रहेगा। तो अभी इवनिंग का लगभग 6:30 हो गया है, तो अभी मैं और मेरा दोस्त बाहर जा रहे हैं घूमने। ठीक है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को पूरा देखिए, आगे आगे क्या क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट निकले हैं रूम से। व्यू देखिए, कितना मस्त व्यू आ रहा है। एक झारसुगड़ा में एक फेमस मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, तो वहाँ का व्यू, इवनिंग में वहाँ का मस्त व्यू आता है, तो उसी को देखने आए हैं। देखते हैं वो व्यू दिखाई देता है नहीं, क्योंकि लगभग 7 बज गया है। देखो, देखते हैं क्या होता है। जस्ट हम लोग अभी पहाड़ी मंदिर में एंटर कर लिए हैं। यहाँ से लगभग सिटी का कुछ कुछ पार्ट दिखाई देता है, उसका भी व्यू मैं दिखाऊंगा आपको। मैं सोच रहा था कि यहाँ तो अभी इतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन इतने इवनिंग के आने के बाद भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि रात थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मैं व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर भी सिटी का ये कुछ कुछ पार्ट आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा दोस्त बहुत श्रद्धा से दिया लगा रहा है। सबू तोर पूर्ण हो, जा जा, इच्छा सबू मांगिलु तो। तो फाइनली हमको पार्किंग मिल गई है बिग बाज़ार के सामने। तो सोच रहे हैं, बहुत दिनों से कुछ शॉपिंग नहीं हुआ है, तो सोच रहे हैं कुछ शॉपिंग कर देते हैं। देखते हैं बिग बाज़ार में अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो ले लेंगे, नहीं तो ट्रेन से जाने का भी प्लान है, ट्रेन से जाएंगे। ये है बिग बाज़ार का कुछ लुक आगे का, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, एंटर करते हैं और दिखाते हैं आपको। जस्ट एंटर कर लिया हूँ अभी। ये है बिग बाज़ार और देखते हैं यहाँ पर कुछ अगर अच्छा सा मिल जाता है तो ले लेंगे। अरे सेम कलेक्शन है, एक साल पहले जो कलेक्शन था अभी सेम कलेक्शन है। बिग बाज़ार अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं कर रहा है, लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास नहीं लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं और थोड़ा ट्राई करते हैं। बहुत सारा ट्राई करने के बाद फाइनल एक दो चीज़ पसंद आ गया है, और ठीक है
इसको मैं फाइनलाइज कर लिया हूँ। फिर जाके आपको दिखाऊंगा रूम में क्या क्या लिया हूँ आपको दिखाऊंगा। पीछे से एक आदमी देख रहे थे क्या कर रहा है ये। इतनी गर्मी है तो एक ब्रेक तो बनता है। अभी हम लोग दो माउंटेन ड्यू लाए हैं, बिग बाज़ार में बहुत ही सस्ते में मिल गया है। एक्चुअली हमको इसका प्राइस पड़ गया है दो को 42 पड़ गया, 60 था 42 में हमको मिल गया। अभी ब्रेक तो बनता है, ब्रेक में माउंटेन ड्यू। करने पेट पूजा की दुकान, तो यहाँ का जो चौमिन है चौमिन यहाँ का बहुत ही अच्छा है, तो उसको आज ट्राई करेंगे। और एक यहाँ बिरयानी बनाता है, हैदराबादी बिरयानी भी बनाता है, तो वो फिर बाद में आके ट्राई करते हैं कभी। देखिए अभी चौमिन प्रिपरेशन हो रहा है, ये हमारे कुक। पेट पूजा में फेमस चाउमीन मिलता है, आप सभी लोग आके यहाँ पर खाइए, टेस्ट कीजिए। ये जो अभी बना है नया नया स्टॉल है, ये पूरी साखी गोपाल से बिलोंग करते हैं, तो ये मेरे दोस्त के रिलेटिव हैं। देखिए कितना लजीज चाउमीन बन रहा है, क्वांटिटी भी बहुत है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर आना यहाँ ट्राई करना। बैक टू रूम। इतने दिनों बाद मार्केट को एक्सप्लोर किए और आज एक संडे की तरह फील हुआ, क्योंकि थोड़ा घूमे भी अच्छे से और मार्केट भी एक्सप्लोर किए और हल्का फुल्का थोड़ा शॉपिंग भी किए। क्या क्या लाया हूँ आपको दिखाऊंगा अभी। ये एक टी शर्ट लाया हूँ मैं, स्पॉन्क का एक टी शर्ट है, और ये दो ट्रैक पैंट है, बाय वन गेट वन ठीक ठाक रेट में मिल गया है मुझे, तो इसलिए इतना कुछ नहीं, यही दो ही सामान है। ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द नया ब्लॉग लाने का, क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।